नमस्कार, मैं हूं अनुराधा बोरा और आप देख रहे हैं समाचार इंडिया। रुड़की नगर निगम चुनाव को लेकर अटकलें लगाए जा रहे हैं। कब होगा नगर निगम चुनाव, कब बदलेगी तस्वीर रुड़की की और कब मिलेगी मुक्ति लोगों को जल भराव से, और जनता को कौन सुनेगा? जब हमारे संवाददाता हर्ष हसी ने समाज सेवक अरविंद कश्यप से बातचीत की तो देखिए उन्होंने क्या समाधान बताया। जानते हैं रुड़की नगर निगम चुनाव को लेकर कयास लगा जा रहे हैं कि कब चुनाव होंगे, कब परिसमन होगा, कब रिपोर्ट्स आएगी, और जनता इन सब बातों को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजसता में है कि नगर निगम चुनाव को लेकर, खासकर जो नगर निगम की बात की जाए तो यहाँ पर जो पानी की समस्या है, खासकर जो जल भराव की समस्या है, कहीं ना कहीं पूरा शहर इस चीज़ से ग्रस्त है। आज हमारे साथ स्टूडियो में है समाज सेवी श्री अरविंद कश्यप जी, उनसे जानेंगे कि रुड़की नगर निगम चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है, क्योंकि आप प्रतिनिधित्व करते हैं शहर का, आप बुद्धिजीवी वर्ग में से आते हैं और कहीं ना कहीं शहर के लिए काफ़ी आपने कार्य करा। आपका चैनल में स्वागत है अरविंद जी। मेरा सबसे पहले यही सवाल है कि खासकर नगर निगम चुनाव को लेकर साल डेढ़ साल होने को जा रहा है, अभी तक चुनाव नहीं हो पा रहे, इसका क्या कारण है? सबसे आपने जो पूछा कि नगर निगम के चुनाव के बारे में, यहाँ पर रुड़की में डेढ़ साल हो गया है, कभी कोई अड़चन आ जाती है, कभी कोई, मगर जैसे फाइनल जैसे बता रहे हैं कि हाई कोर्ट ने भी कह दिया है, फिर उस सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि चुनाव जो है 2 महीने या 3 महीने के अंदर होने हैं। मैं चाहता हूं कि जैसे भी हो, चाहे ये हमारे दोनों गांव नगर निगम में अंदर रहें या और कोई दूसरे गाँव मिलाने हों, बहुत जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए, क्योंकि रुड़की जब से निगम जब से चुनाव नहीं हुए हैं, रुड़की की हालत ऐसी हो गई है जो बद से बदतर होती जा रही है। सारे नाले चौपड़ हैं, सारी सड़कें टूटी फड़ी हैं, एडीबी वाले कहीं किसी का काम नहीं सुन रहे हैं और निगम से बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे हैं। निगम भी अपना जो उनको करना चाहिए ना काम, वो नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं नालों का ठेका दिया गया था सफाई का, अब कभी सफाई कहीं दिखाई तो दे नहीं रही है। जो ये ठेका हुआ है नालों का, ये भी बहुत बड़ा एक, क्योंकि इससे पहले साल मेरे ख्याल 35 या 35 लाख में हुआ था, इस बार इन्होंने ठेका मेरे ख्याल 67 लाख में दिया है और ये बहुत ज़्यादा है। और अभी तक तो कोई भी अच्छे तरह नालों की सफाई नहीं हुई है। अभी 3 दिन पहले ही जो बरसात हुई थी अंबर तालाब में, बहुत ज़बरदस्त पानी भर गया था, क्योंकि हमारा जाना आना उधर से ही होता है और वहाँ के जो व्यापारी हैं, मैं व्यापार मंडल से भी सारे व्यापारियों को वो करता हूँ, प्रतिनिधि करता हूँ, तो व्यापारी भी बड़ा परेशान रहते हैं, हनुमान मंदिर से लेके और जो अंबर तालाब की रोड है उस पर तो 2-2, 3-3 फुट पानी आ जाता है। और सभी जो बस्ती वाले आसपास का इलाका, जैसे सुभाष नगर हो गया, आज़ाद नगर हो गया, अंबर तालाब हो गया, डीवी कॉलेज रोड हो गया, चंद्रपुरी का इलाका देख लीजिए आप, उसके बाद रामपुर चुंगी का इलाका देख लीजिए, जो नए इलाके हैं जैसे कृष्णा नगर है, शिवपुरम है या शास्त्री नगर है, इनमें भी पानी की निकासी अभी तक कोई नहीं हुई है। और जबकि हर साल बजट आता है, मगर वहाँ की जो पानी की व्यवस्था है, जो निकासी की व्यवस्था है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, एक चीज़ सवाल मेरा आपसे एक और है, कहीं ना कहीं जल्दबाजी की गई नगर निगम रोड क्यों बनाने को? इसके बारे में ये मैं कहना चाहूँगा कि नगर निगम ना बनता तो जिला बना के ज़्यादा फायदा होता, नगर पालिका रहती तो बहुत अच्छा था हमारे रुड़की शहर के लिए, बुद्धिजीवी वर्ग हमारा, कहीं ना कहीं निगम के पास इतना पैसा भी नहीं आ पाता क्योंकि क्षेत्र का हिसाब भी वही रहता है, कोई कारोबार तो बढ़ नहीं जाता इस तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पड़ गया है निगम के। इससे अच्छा तो ये था कि हरिद्वार रुड़की शहर को जिला बन जाता, जिला बन जाता तो फैसिलिटीज और ज्यादा होती हमारे रुड़की शहर की। अच्छा, जैसे चुनाव होते हैं, नगर निगम चुनाव होंगे तो आप किस तरह से तैयारी करेंगे, अगर मान लीजिए इस तरह का आपको मौका दिया जाता है खासकर चुनाव के लिए? मैं लगभग पिछले 28 सालों से भाजपा से जुड़ा हुआ हूँ और मैं कई संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ, जैसे नगर की कोई रामलीला समिति है या अपना समाज है, कश्यप समाज है, एक हमारा पनियाला रोड पर मंदिर बन रहा है, गुग्गामाड़ी मंदिर है, और भी बहुत संस्थाएं हैं। और मेरा शुरू से ये रहा है कि मैं ऐसे कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ और मैं चाहता हूँ कि पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाए, तो मैं अपनी कोशिश करूँगा कि रुड़की नगर को बहुत अच्छी तरह से
सर्वांगीण विकास लेकर चलेंगे। दर्शकों मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि ये चुनाव जो है कहीं कोई लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं है, आपके शहर का चुनाव है और आपको ही सोचना पड़ेगा अपने शहर का विकास के लिए और एक ऐसे प्रतिनिधित्व का आपको चयन करना पड़ेगा जो आपकी हर समस्या का समाधान कर सके। एक ऐसे व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जिसका हर समाज हर वर्ग को वो एक साथ जोड़कर चले और कहीं ना कहीं ये तभी संभव हो सकता है जब आप अपनी विवेक और अपनी बुद्धि से काम करेंगे। और ये शहर आपका है, आपको ही इसका ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि जगह जगह पर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी समस्या एक और आ गई रुड़की में, आपने 2-4 साल में देखने को मिली होगी, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा चरमरा गई है। जैसे जैसे यहाँ की जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खासकर उस तरह के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। कहीं इसी तरह का कोई बनना चाहिए कि मान लीजिए स्कूल की जब छुट्टी होती है, छोटे बच्चे स्कूल से जाने की कोशिश करते हैं, आप देखिए आम बच्चे हैं जो साइकिल से जाते हैं, कोई स्कूटर से, कोई माता पिता लेने जाते हैं, स्कूल की बसें जाती हैं, पूरा शहर जो है एक चौक हो जाता है बिल्कुल। इस पे क्या करना कहना चाहेंगे आप? इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हम व्यापार मंडल के माध्यम से हमारी कई बार मीटिंग होती है SDM साहब से, CO साहब से, तो जो बड़े स्कूल है ना, एक तो हम चाहते हैं छुट्टी इनकी आधे घंटे के अंतराल में होनी चाहिए, टाइमिंग ड्यूरेशन उसकी कम ज्यादा हो जाए, एकदम से सारी बसें आती हैं तो पूरा रोड की जाम हो जाता है। मैं चाहता हूं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद जैसे 20-25 मिनट का गैप दे दिया, फिर उसके बाद छुट्टी हो। या ऐसा नहीं हो सकता कि जो बड़ी बसों की एंट्री बंद कर दी जाए, उससे उसके लिए कहीं ना कहीं ऐसा है कि 7 बसें जो बाजार में चली जाती हैं तो व्यवस्था तो बाधित बसें भी बहुत हुई है। मेरे ख्याल 150-200 बस है जो हमारे यहाँ स्कूल खुले हैं, सबको मिलाकर बहुत बसें हैं। और जैसे 2-3 स्कूल, आपने स्पीड भी देखी होगी बसों की किस तरह से, वो भी बहुत रफ चलाते हैं। 2-3 स्कूल जो हमारे मुख्य नगर में है, जैसे आर्य कन्या इंटर कॉलेज है, SD इंटर कॉलेज है और गांधी बाल निकेतन है, इनकी छुट्टी भी एकदम एक ही साथ करते हैं। जबकि अच्छा। कई बार हमने कह दिया इनको भी, प्रिंसिपल साहब से भी बात हुई और SDM साहब से भी बात हुई है, ड्यूरेशन इसमें कम आधे घंटे का टाइम देना चाहिए इनको, क्योंकि कम से कम बाजार में जाम तो ना लगे और कहीं ना कहीं व्यवस्था बाधित ना हो, ट्रैफिक की व्यवस्था ना। अच्छा, मुख्य कारण तो यहाँ का सबसे बड़ा जो देखा जा रहा है कि अभी देखिए बरसात की बात की जाए, अगर बरसात तो यहाँ पर छूती हुई निकल के चली गई है, लेकिन जितनी भी बारिश इस शहर के अंदर हुई है कहीं ना कहीं वो जल भराव की समस्या आपको देखने को मिली होगी। देखिए ये शहर एक शिक्षा नगरी के नाम से देश और विदेश में जाना जाता है और यहाँ का जो भाईचारा है उसकी मिसाल दूर दूर तक दी जाती है। अभी आप देखिए, अभी कावट चल रही थी तो आपने देखा कि सब वर्ग सब धर्म एक साथ मिलकर भोले भक्तों की सेवा कर रहे थे, आप लोगों ने कई जगह भंडारे दिए हैं बहुत ही श्रद्धा और भाव से। ये देवभूमि उत्तराखंड पूरे विश्व में जाना जाता है और ये शहर की जहां तक बात की जाए, स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-2019 में भी आपने देखा होगा ये अव्वल नंबर पे आया है, लेकिन वो नंबर किस तरह से दिए गए हैं इसका अभी तक, यानी कि पूरे जो राज्य भर के शहर है वो इससे भी ज्यादा गंदे होंगे, ऐसा तो व्यवस्था उनकी भी गलत होगी ऐसा, तो फिर ये तभी नंबर वन है। तो आप इसमें जब से ADB का काम शुरू हुआ ना, तब से रुड़की की हालत बहुत खराब होती चली गई है। अच्छा, ADB क्या आपको वो जमाना याद आता है जब मशक में लेके पानी छिड़काया था? हाँ, वो भी याद है, बहुत अच्छा था। तब उस टाइम ना आबादी बहुत कम थी, आबादी दिन लेकिन कहीं ना कहीं आप देखो सड़कों पे छिड़काव होता था। अब नगर निगम की बात की जाए तो वहां पर जो है कहीं ना कहीं सफाई कर्मी भी बहुत ज्यादा बढ़े हैं, उसके बावजूद भी जो है सड़कों की सफाई समय से नहीं हो पाती, पानी का छिड़काव पहले होता था तो अभी भी हो सकता था वो, अब अगर फैसिलिटीज बढ़ गई तो टैंकर के द्वारा करा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब चीजें छूटते जा रही है, सब खत्म होती जा रही है। इस बार अगर चुनाव होता है इलेक्शन का और आपको मौका दिया जाता है तो क्या वो सब चीजें आएंगी वापस लौट कर? उसके बारे में पूरा प्रयास करा जाएगा जो हमारी, क्योंकि मैं भी पिछले 2 बार से मैं सभासद रहा हूँ, 88 से 93 और 93 से 98 तक 2 बार मैंने अपना सभासद का कार्यकाल देखा है। उस समय तो जो हमारा कार्यकाल था बहुत ही बढ़िया रहता था, सब अच्छे घरों से मेंबर बन के आते थे और आपस में इतना वो रहता था कि कोई अगर जो एजेंडा है किसी पे विरोध हुआ तो वहीं तक ही था, जैसे मीटिंग खत्म हुई सब एक साथ हो जाया करते, मतलब मनमुटाव ये नहीं कि उसको साथ लेकर उठा जा रहा है, ऐसे कोई बात नहीं थी। और हमारा पहला बोर्ड तो त्रिलोकनाथ जी का बोर्ड जो था उसमें बहुत अच्छे अच्छे मेंबर थे, सुल्तान साहब थे, शिवदयाल जी थे, उसके बाद डंडम जी वाले आए शायद, उसके बाद और राजेश चंद्रा जी, बहुत ही अच्छे मेंबर थे। अच्छा, एक समस्या और हमारे यहाँ रुड़की में बहुत ज्यादा बढ़ गई, ई रिक्शा की मेरे समझ में नहीं आ रहा हम ये इसको कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि ई रिक्शा चलाने वाले मेरे ख्याल से 4,500-5,000 टोटल चल रही है रुड़की में, इन्होंने पूरे शहर को एक तरह से जाम में बांध के रख दिया है।
अच्छा एक बार पीछे बात भी हुई। अच्छा सर एक चीज आपसे मैं चैनल के माध्यम से बता देना चाहूंगा, जिस शहर की जो व्यवस्था होती है और जिस तरह से हम लोग चलते आए हैं शुरू से आखिर तक, हमें उसी तरह से चलने की आदत होती है। हम लोग हमेशा जब रुड़की की सड़कों पे गुजरते थे कहीं सालों दर सालों पहली बात अगर बताएं तो हम खुले तरीके से चल जाया करते थे और कहीं सड़क टूटी नहीं होती थी, कहीं जाम नहीं मिलता था, समय की बचत होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, 4,500 ई रिक्शा वाले जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलियों के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, उसकी बड़ी बहुत समस्या है। हमने तो ये भी कहा है जो हिसाब से मजा उनको जो रुड़की नगर के जो आसपास के हैं उनको तो आप अपना लाइसेंस बनवा कर जैसे भी है ना, क्योंकि हमारे रुड़की नगर में बाहर के ई रिक्शा वाले बहुत हैं, जैसे कोई माजी से आया कोई मुझे तो ऐसे बहुत रिक्शाएं हैं और ये सही बात है। और कहीं ना कहीं सुरक्षा के भी इंतजाम इसके ऊपर नहीं लगेंगे। चलिए एक सवाल और आपसे ले लेते हैं कि जैसे आपने बताया कि ई रिक्शा की बात की जाए, एक चीज आपने अक्सर देखा होगा जैसे भी कांवड़ मेला शुरू हुआ तो जो पट्टी है मतलब नहर किनारा पट्टी है और ये आपका हाइडल वाला रोड है, कहीं ना कहीं जो ये रोजमर्रा की काम करने वाले फल फ्रूट्स की जो ठेला लगता है और छोटी मोटी चीजें बिकती हैं बाजार के अंदर, इनको यहाँ से हटा दिया जाता है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह चाट बाजार का जो निर्माण किया गया था और एक पर्टिकुलर जगह बन गई थी, क्या इस तरह का दिया जाए कुछ इस तरह की इनके लिए भी सोचा जाए? तो इनका तो यहीं पर रहना ही ठीक है क्योंकि ये भी देखो गरीब आदमी है, उनको भी रोटी राजी चाहिए, इनके बच्चे भी हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इनको हटाने से कोई रुड़की और स्वच्छ या सुंदर बन जाएगी, क्योंकि ये रुड़की हाँ, जुड़े हुए लोग हैं कहीं ना कहीं अपना रोजगार देखो सभी इसमें छोटे बड़े ज्यादातर इसमें तो छोटे ही आदमी हैं, क्योंकि जो सुबह को अपना सामान लगाते हैं शाम तक बेच के चले जाते हैं, मेरे ख्याल से इनको तो ठीक नहीं रहेगा। चलिए ये भी बहुत बड़ी बात है, जैसे है ना देखिए जो कारोबारी होता है कहीं ना कहीं उसको अपने पेट के साथ साथ दूसरे का भी ख्याल रखना पड़ता है, अपनी सुविधाओं के प्रति हम दूसरे के पेट को नहीं काट सकते, ये कि बहुत बड़ा, क्योंकि इंसान से इंसान जोड़ने का कार्य करता है, तोड़ने का कार्य तो शैतान का काम होता है। बहुत अच्छी बात की, आप क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से जनता को रुड़की की? मैं ये कहना चाहूँगा कि नगर निगम चुनाव आने वाले हैं और देखते हैं अपनी जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा, किसी अच्छे अच्छे उम्मीदवार को टिकट दे तो मेरा मानना है कि रुड़की जो है कहीं ना कहीं सर्वांगीण बन जाएगी, बढ़िया हो जाएगा कार्य, मगर इसमें थोड़ा सा मेहनत करने वाली बात है, जो भी मेयर बनेगा असमंजस का चल रहा है। हाँ अभी तो चल रहा है कि निगम में ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी के अंदर जो इस तरह की जो कार्य करता है जैसे की सोच रखते हैं, कहीं ना कहीं इस बार आपको मौका दिया जाए तो हो सकता है कि रुड़की का मुझे मौका दिया जाता है तो मैं बिल्कुल दिल खोलकर दिल जान से रुड़की नगरवासियों की सेवा करूंगा, और मेरा तो शुरू से ही है, हमारे परिवार का तो रहा ही है, जैसे हमारे पिताजी थे श्री श्यामलाल जी, वो भी 4 बार सभासद रहे, 1 बार चेयरमैन ने भी लड़ी है उन्होंने, वो भी बहुत सारी संस्थाओं का कार्यकाल भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बहुत अच्छा रहा है, और आज भी उनको शहर के अंदर जाना जाता है। तो मेरा तो ये मानना है अगर जो पार्टी मुझे कोई दायित्व देती है तो मैं उसको अच्छे तरह से निर्वाह करेंगे। चलिए ये थे हमारे साथ समाज सेवी श्री अरविंद कश्यप जी, जिन्होंने बताया कि अगर रुड़की नगर निगम चुनाव को लेकर इनको मेयर के लिए पार्टी मौका देती है तो कहीं ना कहीं रुड़की शहर का सर्वांगीण विकास होगा, और ये जाहिर सी बात है कि जिसके अंदर ताकत होती है और साफ मन और स्वच्छ मन होता है तो वो हर तरफ उसको हरा हरा दिखाई देता है, ये भी हकीकत बात है। अगर इस बार नगर के चुनाव होते हैं और तारीख जो है डिक्लेयर हो जाती है और उनको मौका दिया जाता है तो दर्शकों कहीं ना कहीं जो रुड़की आपकी पहली थी, टूटी सड़कें जो नहीं थी, साफ स्वच्छ वातावरण था, विद्युत व्यवस्था अच्छी थी और कहीं ना कहीं ट्रैफिक से आपको इस तरह से जूझना नहीं पड़ रहा था, तो आने वाला वक्त भी आपके लिए ऐसा बन सकता है। चलिए आप देख रहे हैं समाचार इंडिया, मैं हर्ष सिंह, मेरे साथ हैं श्री अरविंद कश्यप जी, कैमरामैन पवन गुलाटी के साथ। नमस्कार सर। इस खबर में बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।